जब कोई बच्चा क्लास 10th से 11th में आता है और गलती से उसने अगर साइंस स्ट्रीम ले ली तो 11th के स्टार्टिंग के 3-4 महीने बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो 11th के स्टार्टिंग का फेज झेल ही नहीं पाते, जिससे कि वो अपना स्ट्रीम साइंस से कॉमर्स से आर्ट में कन्वर्ट करा लेते हैं। 11th में आने पर ऐसी सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th और 11th के डिफिकल्टी लेवल के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। क्लास 10th के साइंस का पूरा सिलेबस क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग जैसे एक चैप्टर से भी छोटा माना जाता है। क्लास 11th के स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो वो मेंटली इतना प्रिपेयर्ड ही नहीं रहता कि वो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट समझ पाए। अपने माइंड को उस लेवल तक ले जाने के लिए जिसे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट समझ आने लगे, बच्चे को स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है और लास्ट में जेईई और नीट जैसे एग्जाम बच्चे पे और प्रेशर डाल देते हैं। मैं लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो हार मत मानना। इस सिचुएशन को अगर आप झेल जाते हो, 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी पढ़ लेते हो तो आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। आपकी सोचने समझने और चीजों को एनालाइज करने का तरीका बदल जाएगा। 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद आपका माइंड बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका होगा, इसीलिए हार मत मानना, लगे रहना।